बच्चों, आज मैं आपको एक शैतान और लालची बंदर की कहानी सुनाता हूँ। उस लालची और शैतान बंदर का नाम था बीकू बंदर। अब कहानी सुनाने से पहले इस कहानी के कुछ और किरदारों के बारे में भी आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये लोग बीकू बंदर के दोस्त ही थे, जैसे टिंकू कुत्ता, पिंकू बिल्ली, गज्जू हाथी और चुन चुन खरगोश। तो एक बार की बात है, जंगल में भयानक गर्मी पड़ रही थी। अब बीकू बंदर रास्ते में चलते चलते थक गया था। उसको बहुत जोर से प्यास लगी थी। वह जंगल में इधर उधर देखता हुआ पानी की तलाश में आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर एक जूस वेंडिंग मशीन पर पड़ गई। उस वेंडिंग मशीन को देखते ही बीकू बंदर को लगा मानो उसकी तो एक लॉटरी ही लग गई हो। वह मारे खुशी के उछल पड़ा और तेजी के साथ मशीन की तरफ भागा। बीकू ने सिक्का डाला मगर कुछ भी नहीं निकला। अब उसने मशीन के पीछे देखा तो पाया कि उस मशीन का प्लग तो निकला हुआ है सॉकेट से। अब प्लग लगाने के लिए उसी तरफ चल पड़ा। तभी वहां से टिंकू कुत्ता गुजर रहा था, तो मशीन ने एक बोतल निकालकर बाहर फेंक दी। अब टिंकू कुत्ते ने इधर उधर देखा, उसे कोई नजर नहीं आया, तो उसने वो बोतल हथियाई और अपने रास्ते चलता बना। जब बीकू बंदर वापस आया और उसने दूर से ही सही मगर टिंकू कुत्ते को बोतल के साथ जाते हुए देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। इसके बाद बीकू बंदर ने देखा कि टिंकू बिल्ली भी वहां जूस पीने के लिए आ पहुंची है। तो मारे जलन के बीकू बंदर ने मशीन का प्लग एक बार फिर से निकाल दिया और एक झाड़ी के पीछे छिप कर खड़ा हो गया। टिंकू बिल्ली ने सिक्का डाला मगर कुछ भी नहीं निकला। अब टिंकू बिल्ली गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगी तो एक जूस की बोतल बाहर निकल आई। टिंकू बिल्ली के वहां से खुशी खुशी लौटने के बाद गज्जू हाथी जी भी वहां पहुंच गए। पर पानी की बोतल की तलाश में उसने सिक्का तो डाल दिया पर निकला कुछ नहीं। अब गज्जू हाथी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। खैर वो तो पहले से ही बलवान था, तो उसने अपनी सूंड से वेंडिंग मशीन को उठाकर जोर से हिलाया डुलाया तो डर के मारे एक बोतल उस वेंडिंग मशीन से बाहर निकलकर आ ही गई। बीकू बंदर पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। अब वह कुछ कर पाता या कह पाता इससे पहले उसने देखा कि चुन चुन खरगोश भी वहां चली आ रही है। उसने भी सिक्का डाला तो कुछ नहीं निकला। अब चुन चुन तो छोटी सी खरगोश थी तो उसने रोना शुरू कर दिया। और ऐसा वैसा रोना नहीं बल्कि इतनी जोर जोर से रोई कि उस मशीन ने तंग आकर उसको भी एक बोतल थमा दी। चुन चुन खरगोश बहुत ही खुश हुई और उसके वहां से जाने के बाद बीकू बंदर बहुत गुस्से में बाहर निकला। उसने पहले प्लग लगाया फिर एक सिक्का मशीन में डाला, लेकिन यह क्या, बोतल तो नहीं निकली। अब उसने टिंकू बिल्ली की तरह ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने गज्जू हाथी की ट्रिक आजमाने की कोशिश की और मशीन को हिलाने की कोशिश में लग गया, मगर अब बहुत हो गया, उल्टा मशीन को ही गुस्सा आ गया। अब बीकू बंदर आगे आगे तो वेंडिंग मशीन उसके पीछे पीछे। सुबह से शाम तक अब यही चल रहा था उस जंगल में। तो दोस्तों और बच्चों, बीकू बंदर को अपने लालच और बुरे बर्ताव का नतीजा मिल चुका था। तो इस कहानी से हमें ये मालूम पड़ता है कि जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही और भी मजेदार कहानी देखने और सुनने के लिए आज ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले मजेदार नई कहानी के साथ। नमस्कार।
Thank you.